लाना, आज मैं तुम्हें बताना चाहूंगा एक बंदे के बारे में हुज अ वेरी वेल नोन रिस्पेक्टेड आर्टिस्ट मेरी जनरेशन से, जिसका नाम है यो यो हनी सिंह। नाउ यो यो हनी सिंह ने काफी क्लासिक मेमोरेबल सॉन्ग्स बनाए हैं, जैसे वीड पला दे सजना, एंड चार बोतल वार्ड का काम मेरा रोज का। आई डोंट थिंक हनी सिंह को समझ आती है कि अगर चार बोतल वार्ड का आप एक दिन भी पिए आपको अल्कोहल पॉइजनिंग हो जाएगी और आप मर जाएंगे। बट देयर इज वन हनी सिंह सॉन्ग जो मुझे हमेशा याद रहता है, एंड दैट्स हिज क्लासिक सॉन्ग ऑफ दिस पार्टी गेटिंग हॉट। उसमें एक दूसरा भी बुजुर्ग है नेम जैजी बी, हुज लाइक आई थिंक 60, 70, 90 years old. Anyways, उस गाने में फॉर सम रीजन जैजी बी के पास है एक रॉकेट लॉन्चर। आई डोंट नो व्हाई, मुझे आज तक समझ नहीं आई, लाइक मुझे नहीं समझ आ रही कि लाइक उनका उस दिन क्या प्रोग्राम था। यो यो हनी सिंह, ओए ऐसा री वाहियात कुड़ियां दे नाल नच के ਇਹ ਤਾਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਤਾਲਿਬਾਨ ਨਾਲ ਲੜੀਏ। ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਰਾਕਟ ਲਾਂਚਰ ਹੈ, ਆਈ ਹੈਵ ਅ ਰਾਕਟ ਲਾਂਚਰ, ਲੜੀਏ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ। ਫ੍ਰੀਡਮ ਫ੍ਰੀਡਮ। ਐਨੀਵੇਜ਼, ਮੈਨੇ ਬਸ ਸੋਚਾ ਥਾ ਕਿ ਤੁਮੇ ਉਨਕੇ ਬਾਰੇ ਮੈਂ ਬਤਾ ਦੂੰ, ਬਿਕਾਜ਼ ਦੁਨੀਆ ਬਹੁਤ ਡੇਂਜਰਸ ਹੈ ਯਾਰ। ਐਟ ਐਨੀ ਟਾਈਮ ਕੋਈ ਵੀ ਆਪਕੇ ਘਰ ਆ ਕੇ ਆਪਕੋ ਮਾਰ ਸਕਤਾ ਹੈ। ਦੇ ਕੈਨ ਟੇਕ ਐਵਰੀਥਿੰਗ, ਐਂਡ ਯੂ ਨੋ ਹੂ ਦੋਸ ਪੀਪਲ ਆਰ ਗੋਨਾ ਬੀ। ਤੁਮੇ ਪਤਾ ਵੋ ਕੌਨ ਲੋਗ ਹੋਂਗੇ? Jazzy B and Yo-Yo Honey Singh, because for some reason उनके पास rocket launcher है। उनके पास rocket launcher क्यों है? Why does Yo-Yo Honey Singh and Jazzy B, why do they have rocket launchers यार? मुझे भी rocket launcher दो तीन दे दो, मुझे अपने ये neighbor को मारना है। चावल इंसान।